कोई खबर शिकिर कबाब की। रशिका, ये है न्यूटन त्रिपाठी। इस पूरे त्रिपाठी खानदान के इकलौते चला, हालांकि घर वालों ने उनका नाम नूतन त्रिपाठी रखा था, जो कि इन्हें पसंद नहीं आता था। तो 10th के बोर्ड के पेपर में इन्होंने न्यू का न्यू कर दिया और तन का टन, और 10वीं के पेपरों में इनका नामकरण हुआ न्यूटन त्रिपाठी। अरे रशिका, कितनी देर लगेगी भाई? अरे आ रही हूँ। एक तो तुम्हें ऊपर मुर्गा भी चाहिए, लिफ्ट लगवा लो ना, इतनी प्रॉब्लम है तो छत पे कौन मुर्गा खाता है? चावल रोज बिरयानी करते रहते हैं। तुम्हारे मामा जी को पता चल गया ना, उसी दिन हमारी क्लास लगा देंगे। यार बहुत शानदार है यार, लव यू। वाह वाह वाह, मामा की टेंशन क्यों ले रही है? क्या शानदार बनाया तू। ये है रस्तो सिंह, हालांकि इनका असली नाम रसिका है, लेकिन इन्हें न्यूटन प्यार से रस्सो बुलाते हैं, और असलियत में इन्हें न्यूटन से ज्यादा नॉनवेज से प्यार है। कोई लिमिट नहीं, मतलब जहर, क्या कतई ही जहर। मम्मी का फोन आ रहा है। मेरी बोला मम्मी जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया, यहाँ पे भी सब बढ़िया, रशिका भी बढ़िया सब। आप बताओ, कैसे याद आई आपको चारे कवारी? खिला रहे हो आप? कौन, बाबा जी भी आ रहे हैं? कितने बजे? अच्छा अच्छा, सुबह आ जाएंगे 11:30 बजे तक। आप ट्रेन नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा आपको। अरे नहीं नहीं, लेने आ जाऊंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो फ्री रहता हूँ मैं। कोई नहीं, कल तो आ जाऊंगा मैं। अच्छा, आप आ जाएंगे घर पे? अच्छा, मतलब 12:30 तक। चलो देख लेंगे, हाँ ट्रेन में। चलो ठीक है ठीक है, आ जाइएगा जी। एड्रेस तो है ही आपके पास, में फिर भी व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, पैर ही बोल रहा बस, मर गया कल मम्मा। आ तुम और तुम्हारे रिश्तेदार मुझे इतने बुरे लगते हैं ना, मैं क्या बताऊं। चलो अब काम पे लगो, और क्या, नौकर बनने का टाइम। इमरजेंसी साक्षात मामा जी और मम्मी जी के रूप में न्यूटन के घर आने पसरी थी। अब इसकी तैयारियां ऐसे करी गई कि चिकन किचन से गायब हो गए, अंडे फ्रिज से गायब हो गए, मुगलई रेसिपी की तो बुक तो पूरे किचन के आसपास मगे माहौल से ही गायब हो गई, और मुगलई रेसिपी और मुगलई खाने के बारे में सुन सुनकर वो जो टेढ़े मेढ़े 36 कोनों के मुंह बना रहे हैं ना, इस बात की भी तैयारी कर ली गई। अब बात ये थी कि ये जो तैयारी करी गई है ये कितनी सक्षम होगी, यानी नेट प्रैक्टिस मैच में बैठेगी या मैच फिक्सर की तरह मैच पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हार जाएंगे न्यूटन और रसिका। मम्मी और मामा जी का आना हुआ। न्यूटन शौक में थे, लेकिन आदर सत्कार भी कर रहे थे, क्योंकि करना जरूरी था, यानी मामला एकदम पेचीदा। बोले तो आगे कुआं पीछे खाई, पीछ में न्यूटन एंड लगाई। और बताइए मामा जी, खाने में क्या लेंगे? बेटे खाना 4 बजे, खाने का टाइम तो है, बहुत लेट होगा, खाना बना रहने देते हैं। अरे मामा जी, आप तो कुछ खा नहीं रहे, मम्मी जी आप ही बता दीजिए आप क्या खाओगे। अरे तो बेटा एक काम करते हैं, भुर्जी और रायता बना लेते हैं। हाँ, अंडे की भुर्जी से। अरे अंडे की भुर्जी थोड़ा ना खाते हमारे घर में, है ना, हम लोग खाते ना, मामा जी ना मम्मी खाती है, हम लोग तो शाकाहारी लोग है। हाँ, हमारे घर में नहीं बनती है। पनीर तो खाते है ना? हाँ हाँ, अरे पनीर तो क्यों नहीं खाते है, शानदार बनते हैं पनीर। पनीर की भुर्जी और रायता बना लो। हाँ, गरम गरम रोटी है मामा के लिए, घी डाल के ना। अरे बाबा, प्रभा बहन जानती है, प्रभा बहन घी नहीं, नहीं आज मैं बहू की हाथ की रोटी खाऊंगा। हाँ, बहू की हाथ की रोटी, बहू घी लगा के देना। घी नहीं, अरे नहीं नहीं, शांति पकड़ना छोरे, खा रहे हैं घी, कल खा लेंगे आराम से। चलो कोई बात नहीं, चलो रशिका खाने की तैयारी करो, कोई चीज लानी तो नहीं है बाहर से? कर दिया छोरे, इधर आके बैठने। हाँ बोलो बोलो, मैं देख साड़ी का काम तो टॉप ही बोले तो बहुत ही टॉप। अरे बिल्कुल शानदार चल रहा है, जब से वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है साड़ी की, और वो जब से वेबसाइट बन गई आजकल की टेक्नोलॉजी हाई फाई, बिल्कुल यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में सामान बेच रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, शानदार चल रहा है। आप बताओ,
देख भाई सर एवन चल रहा है ना, तो तेरे लिए तोहफा रखा है। अरे वहाँ जी तोहफा है। अरे शांति पकड़ नहीं अभी तो देख मन मन मावे मुड़ी लावे नहीं। नहीं नहीं अब वो दिन गए तब तो छोटे थे। तेरे और रसिका की ना स्विट्जरलैंड की टिकट करा दी। अरे शांति पकड़ भाई शांति पकड़ तुम्हारा छोरा है ना, बड़ी सर्दी होगी ना वहाँ पे बहुत ही, बोलते बहुत ही मजा आ जाएगा तुझे है ना। अरे मजा तो आ जाए लेकिन आपको क्या जरूरत थी, हम करा लेते। ये गलत बात है मामा जी, कैंसिल करा दे ना। अच्छा चलो अरे छोरे तेरी उम्र से जा चुकी हूँ मैंने। अच्छा है ना, तो रसिका को नहीं बताना ना। अच्छा सरप्राइज मामा जी, उससे कह देना कि तुम हमारे साथ अहमदाबाद चल रहे पानी मंगा देने, पानी नहीं पानी नहीं, कुछ ठंडा हो ठंडा मंगा लेना। अरे रशिका मैं ठंडा ले आया, कुछ हो नींबू पानी वानी जो हो। नींबू पानी तुम लोग बना के रखते हो? कितना पानी पीता है टैंकर है मेरे को। ले ले आगे अंदर रसिका और सियारा ले आएंगे अपने हिसाब से। ये जनाब बाय बाय, तुम लोग अंडा खा रहे हो क्या? नहीं तो हाँ ये क्या है? तेरे को प्यार करता हूँ, लाड़ करता हूँ, तो डांटने का और शक करने का भी आ सकता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हुआ क्या? ठीक है। अरे यार मामा आप भी बहुत शकी हो, मैंने बताया ना भी रशिका ने कि वो बेसन बेसन को फेंटने के लिए था, अगर हमने पकौड़े बनाए थे ठीक है तो वो शाम के बने थे, तो इस वजह से। अच्छा चल मैंने तेरी बात मान ली है ना। अरे हाँ हाँ सच्ची। अच्छा सुन लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, बोलो बोलो। ऐसा कुछ किया ना खाना वाना ऐसा कुछ, समझ रहा ना, ये अंडा वंडा खाया। सुन सुन मेरी बात सुन, मैं बोलो। मम्मी जी तो फिर भी घरेलू जेम्स बॉन्ड थी, लेकिन मामा जी मामा जी चेहरे पूरे ऐसी ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनाते कि न्यूटन को सांप सुन जाते। मैं बोलो ना चल देना, याद रखियो त्रिपाठी खानदान में पैदा हुआ है ना, ये तेरी शादी है ना, तेरी मम्मी मना करती अगर मैंने बताता कि रसिका नॉन वेज खाती है, लेकिन तेरे ऊपर जिम्मेवारी ली मैंने, तेरी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है, तो तेरे ऊपर भी मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे भरोसे का तू मान रख के है ना। नहीं बात समझ में आ रही है? तो खानदान निकाला तो मिलेगा मिलेगा, और मामा जी का तू ये बात याद रखियो। बहु गुस्से में लग रही है, मैं जाता हूँ, वो बैनर्जी बाहर खड़ा है ना, बहुत जैसे पसंद करता है, मैं जाता हूँ उससे बात करता हूँ। तुम तब तक देखो उसको उठाओ नहीं, बहुत देर हो गई उसको, 6 बज गए शाम। मामा टैंकर, सास जेम्स बॉन्ड और ये कुंभकर्ण की छठी औलाद। मैंने ये देखो ना राजीव के साथ फोटो है ना, मैंने बोलती बोलते ये लो बच्चे आटे के लड्डू और मम्मी आपके देखो। अरे अरे बैठो। अरे मम्मी आपने क्या बनाई, तो रश्का बना दी। मैंने सोचा बाहर तक हम दोनों जा रहे हैं तो फिर इसलिए। मम्मी जी ये बोलते ही सेंटीमेंट थी नदिया में बहने लगी, और उस नदिया में गोता मारा बैनर्जी जी ने। कब? कल जा रहे हैं। क्यों अभी तो आए थे? अरे वो मामा जी को थोड़े काम वाम रहते हैं ना, मतलब उद्योगपति वगैरह का ला रहे। कोई काम का है? अरे काम है ने? अरे काम मम्मी कैसे काम कैसे नहीं आया? अरे तो जाइए अभी, क्या जा रहा है? अरे हाँ भाई काम तो है। अरे काम है ने हमको? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब हमारी टिकट है सुजीत की, उन्होंने रखे है ना, तो समझा करो बात को, इन्हें जाने दो। अरे इन्हें आप यही रुको हमारे साथ। हाँ, अरे अहमदाबाद में कल आप ऊपर आना, चाय नाश्ता करके जाना। चाय नाश्ता हम सुबह कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है।
कर लेंगे ना नाश्ता, कर लेंगे हम, दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं, टिकट किए ना हम बता रहे हैं आपको। तो टिकट तो भाई साहब फट जाएगी। अरे ऐसे कैसे फट जाएगी, पैरेंट जी जी आप कैसी बात कर रहे हैं, टिकट तो फट जाएगी क्या जा रहा है। अरे यार अरे कौन सी टिकट, अब इसी कह रहे थे फट जाएगी तो फट जाएगी भाई साहब। अरे टिकट नहीं, टिकट फट जाएगी भाई साहब। अरे ऐसे, अरे मम्मी ये क्या किया तुमने, उस समय जिस तरीके से न्यूटन और मामा जी बैनर्जी को देख रहे थे कि अगर अगर बस चलता तो मार मार के सर के सारे बाल उड़ा देते, अब बैनर्जी जी भी इस समय की गंभीरता को समझ चुके थे और इसको अच्छी तरीके से भाप के और प्रयत्न करके अपने काम को अंजाम दिया। हम चल गए बैनर्जी जी, अरे पेंडू खाली था, अरे बैनर्जी जी भाई साहब, अरे भाई साहब पूजा करो भाई साहब, अरे बैठो पेंडू बनना चाहो, अरे बैनर्जी जी आ जाइए भाई साहब, पूजा का टाइम हो गया, और नहीं नहीं लड्डू खाली थे ना, पूजा में क्या जा रहे हैं, खाओ लड्डू का, मैं चलो भाई। अरे दीदी आप तो तुम लड्डू खाओ ना, उनको खिला रहे हो, तुम्हारे इनसे कुछ बोल नहीं सकते, वो पूजा में जा रहे हैं। अरे क्या तो यार? बच्चे खुश है ना, अरे ना, बच्चे ही खुश है सारे के सारे, सारे बच्चे खुश है, वो खुश हो गया प्रभाजी जी कहीं का। अरे तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, लड्डू खुश नहीं हो क्या तुम? हाँ मम्मा बहुत खुश है ना, देख लो कितना खुश है, कितना खुश है मुझे दिख रहा है, कितना खुश है। तुम अपनी तबीयत खराब करोगे, चलो यार रशिका अंदर चलो। खराब होने से परेशान थे न्यूटन उनके और ज्यादा रुकने से, और रसिका बेचारी सोच रही थी कि उनके साथ हुआ क्या, बेचारी को सरप्राइज मिलने से पहले ही खत्म हो गया। अरे न्यूटन ये क्या बोल रहा है, सफारी सूट और ये बैनर्जी कौन सी टिकट, और हम कहाँ जाने वाले थे, हम तो कल अहमदाबाद जा रहे थे ना, बैनर्जी के ऐसे लड्डू खिला रहे थे जैसे वो मां बनने वाला हो। तुम एकदम चुप हो जाओ, तुम्हें पता है कहाँ की टिकट थी, कौन सी, स्विट्जरलैंड की टिकट थी, हम दोनों की। वो तो हम अहमदाबाद जा रहे थे ना, मामा जी ने हमारा सरप्राइज प्लान किया था कि हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ओ तो मैं तो बहुत ज्यादा ही बोल रहा होता हर जगह, दादी अम्मा बनने चलोगी हर जगह। कैसा कौन पागल हो गया, ये वो बाबड़ा, एक ये बाबड़ा, ना जाने कौन आ गया बाहर। अबे गेट फट तक नहीं, तुम्हें कौन है जोकर से, और तुम कौन हो जोकर से जो हमें जोकर बोल रहे हो, जानता मैं कौन, मैं तो बात कर देख की बात किया करने, किससे बात कर, कद तो तेरे से ज्यादा है, मैं कद इससे नहीं आता, ठीक है ना, कद इससे आता है, अरे अंकल कद आता है, अबे किससे बात कर रहा है अंकल, शांति से शांति, अबे काय की सर, अबे बात आ रही है, अबे दो डालेंगे बंदे, मिलकर अबे आयुष 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 माता है मेरा, अरे यार पिछले से बोला का ऑर्डर आया था, तुरंत तुरंत रिस्पॉन्ड किया करे, लेट हो जाता है। अच्छा तेरे कॉल बैक करता हूँ यार, थोड़ा इतना सुबह सुबह के लिए यार थोड़ा और ले आती, तेरा मतलब क्या है, मैं घर की नौकरानी हूँ, एक सफारी सूट मुझसे वो पानी मांगता रहता है, नींबू पानी पीता रहता है टैंकर गई का, और एक बात बता, तेरी माँ मेरे को हमेशा परेशान करती रहती है, ये बना दो वो बना दो, कहते तुझे तू समझ कर, समझ गया ना, ठीक है चलो। और बताओ कैसे हो, सही है भाभी, अरे और बता आना कैसे हुआ तेरा, अरे वो रसोले वाली आई थी ना चिकन, बहुत बढ़िया चिकन। चिकन का नाम सुनते ही माँ का मुंह खुला का खुला रह गया, मामा जी का दिमाग चकरा गया, रसिका एकदम सफेद पड़ गई और डर के मारे न्यूटन की टांगे थर 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 कांपने लगी।
वो दुआ मांगने लगा आंधी तूफान आ जाए चाहे इसका दुनिया कैसी की तैसी हो जाए लेकिन ये राज ना खुले। उसका मन तो क्या कि यहीं अभी लम्बलेट हो जाए और बेहोशी का नाटक करने लगे। वो मन में एक्शन बोलने ही वाला था कि अरे वो चिकन मामा जी चिकन की कढ़ाई वो लखनऊ में बहुत फेमस है मैंने वो करी हुई थी ना तो मैंने इसके लिए हाँ ये कढ़ाई अच्छा कढ़ाई खाना पीना नहीं खाया क्या उसने? अरे वो कुछ भी मैं बता रही हूँ ना चिकन की कढ़ाई फेमस है वो लखनऊ में उसकी बात कर रहे थे यार ये अच्छा कढ़ाई ऐसे हम शाकाहारी लोग हैं तो हमारे ऐसे कर रहे तक नहीं है और लेके आओ कभी उनको घर पे यार बहुत समय हो गया मिले हुए सब लोग साथ में बैठते हैं कभी मस्ती वस्ती करते हैं गेट टुगेदर कोई नहीं आऊंगा छोरे तू तो आज तक गंदा और लेके नहीं आया बहू को बातों की लक्का छक्की से लगा दीपक और सुरेश कभी रसिका की तरफ देखते यार नितिन बिरयानी खाने का मन हो रहा है। एक काम करते हैं ना बाहर जाते हैं बिरयानी बनाओ मम्मी और मामा जी को बिठा लेते हैं सब लोग मिलके बिरयानी डिनर करते हैं पहले तो ठीक है उसके बाद जब मेरे को खानदान निकाला मिल जाए ना तो मेरी इज्जत की बिरयानी रोज रोज खाती रहना तुम हैं तो मेरे लिए इतना से काम नहीं कर सकते हैं यहाँ दिमाग खराब हो रखा है थ्री अरे कोई बात नहीं आप ही का घर है कभी भी आइए कोई जल्दी बात नहीं भाई रुके हमारे आइए हम लोग छोड़ देते आपको आ जाओ रशिका आराम से ओ बहू आराम से ना प्रॉब्लम कर ली थी जैसे ही दरवाजा खोला तो जो हाथ में था वो जमीन पर गिर गया और जो मुंह में था वो फलक में अटक गया। अरे शांति पकड़ो ना चिकन मंगाने वाले थे नहीं मंगाने वाले थे अरे मामा जी कुछ नहीं शांति छोड़ो ने पीछे बीच में मत बोला फिर बहुत मत बोला ड्रेस नहीं थी आज
अरे मामा जी चिकन है। आप भी चिकन खा रहे हो? चिकन खाते हो? तो क्या वो समझो कि अभी हो गए या पहले खाते आ रहे हैं, तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा तुम हमारे मामा जी तुमसे बड़े आदमी है ना, तुम्हारे जब हम ऑर्डर लगाते ना तुम्हारे जो फोन भी करते हैं हाँ हाँ भैया ले आओ ले आओ, सब समझ में आता था ना से। और मैं जान क्या करती हूँ जब हम वाली वाली मैं जाता हूँ यार, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए मैं खाना निकाला। मामा जी का ये क्लास न्यूटन और रसिका के पेट में पल रहा था, और न्यूटन और रसिका का ये क्लास मामा जी के पेट में।